आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल पेंडुलम इज स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन। ठीक है, एक सिंपल पेंडुलम है जो वर्टिकल प्लेन में स्विंग कर रहा है। और रेशियो ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जीज व्हेन इट्स मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल इज। ठीक है, तो देखो एक सिंपल पेंडुलम हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, और पहले मान लेते हैं वो ऐसे अपना इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। ये यहाँ पे ऐसे बॉब है। ठीक है, इस ये जो सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है इसका मास हम लोग मान लेते हैं m। नाउ इट इज कह रहे ये थी स्विंगिंग इन अ वर्टिकल प्लेन, मतलब ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं वर्टिकल प्लेन पे। तो एक बार ऐसे जाएगा, फिर एक बार ऐसे जाएगा। मान लेते हैं ये इसका एक्सट्रीम पोजिशन से। ठीक है, तो अभी हम लोग का अच्छा एक्सट्रीम पोजिशन थोड़ा ऊपर मान लेते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये स्विंग कर रहे हैं। तो ये इसका एक्सट्रीम पोजिशन है, यहाँ पे ये ऐसे, यहाँ पे एक एक्सट्रीम पोजिशन। ठीक, तो अभी कह रहे हैं हम लोग का रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जीज व्हेन इट इज मेकिंग एंगल्स 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक थीटा एंगल में मान लेते हैं वर्टिकल के साथ जब ये स्विंग कर रहे हैं, तो ये जब स्विंग हम लोग का मान लेते हैं यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का जो पेंडुलम है जब यहाँ पहुँच जाएगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इसमें स्टोर होगा। तो ये मान लेते हैं इसका जो इंक्रीज, इसका ये अगर हम लोग डेटम लेवल मान लें तो यहाँ से हम लोग हाइट को कैलकुलेट करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लोग का जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास एम होता है, वो होता है एम जी एच। और ये जो हाइट एच है ये हम लोग इस पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एच यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है इसको हम लोग मान लेते हैं, इस लेंथ ऑफ दिस स्ट्रिंग इज मान लो एल। ठीक है, और ये एंगल जो वर्टिकल के साथ बना रहा है इस पोजीशन पे जब एच हाइट से उठ के आए हैं, दैट इज लेट दैट बी थीटा। और ये हम लोग का जो स्ट्रिंग है इसका लेंथ हम लोग का क्या है, एल है, है ना। तो हम लोग का जो ये वाला लेंथ है, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लेंथ है वो क्या बन जाएगा, एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। एच हम लोग का क्या है, एच इज बेसिकली एल माइनस एल कॉस थीटा। हम लोग लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू एल माइनस एल कॉस थीटा, तो यहाँ से एल कॉमन ले लो तो एल वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम लोग का जो पोटेंशियल एनर्जी है ई ई एट एन एंगल थीटा, वो हम लोग का बन जाएगा एम जी एच की जगह हम लोग लिखेंगे एल वन माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम लोग को पहले रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वन मीन्स एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए हम लोग को निकालना है। ठीक है, वर्टिकल के साथ जब 30 डिग्री और 60 डिग्री बना रहे हैं तब के लिए हम लोग को रेशियो निकालना है पोटेंशियल एनर्जीज का। सो पी ई 30 डिग्री बाय पी ई 60 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी 30 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी 60 डिग्री। यहाँ पे हम लोग का एम जी एल आएगा 1 माइनस कॉस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई एम जी एल, ये सेम ही रहेगा क्योंकि लेंथ सेम है और एम सेम है दोनों केस के लिए। जीतो यूनिवर्सल मतलब जीतो हम लोग का जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों के लिए, दोनों केसेस के लिए सेम ही होगा, वन माइनस कॉस 60 डिग्री। ठीक है, एम जी एल एम जी एल कैंसिल, तो यहाँ से वन माइनस कॉस 60 डिग्री, वन माइनस रूट थ्री बाई टू मिलेगा, यहाँ पे वन माइनस वन बाई टू मिलेगा। सो पी ई 30 डिग्री डिवाइडेड बाई पी ई 60 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 3 बाई 2 हम लोग मिलते हैं 2 माइनस रूट 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस 1 बाई 2, हम लोग को 1 बाई 2 मिलता है तो 2 पर चला जाएगा, 1 नीचे रहेगा। तो दिस इज इक्वल टू हम लोग को मिला 2 माइनस रूट 3 बाई 1। ठीक है, तो ये रेशियो हम लोग का क्या हो गया, 2 माइनस रूट 3 बाई 1 दैट इज 2 माइनस रूट 3 इज टू 1। तो हम लोग का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, बी ऑप्शन हम लोग का करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।